बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर घर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यू वॉचिंग डीबीटीवी लाइव और आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं सऊदी सहाफ़ी की तुर्की यानी इस्तंबुल में जो सऊदी कौंसलेट है उसमें कत्ल का जो एक वाकया सामने आया है, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल, क्योंकि जिस अंदाज में उसकी डिटेल्स आ रही हैं उनको अगर देखा जाए तो ये जो अपनी नौयत का एक अलग वाकया है जो कि एक कौंसलेट के अंदर किसी भी मुल्क में एक सहाफ़ी को इस तरह कत्ल किया गया है, इसके मुहरकात क्या थे, बैनुल अक्वामी सतह पर इस पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, और हमारे वज़ीर आज़म जो सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस है सऊदीया की उसमें शरीक होने के लिए जा रहे हैं आज, अहम मुतवक्के मुलाकातें, लेकिन क्या उनको जाना चाहिए था ये भी एक सवाल है, और अगर जा रहे हैं तो फिर क्या चीज़ें तवक्को की जा रही हैं। तुर्क सदर का इसके हवाले से बहुत सख्त मौक़िफ़ आया है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल्ला गुल साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, आप तज़ियाकार हैं, डेफिनेटली आपका इस पर काफ़ी इंटरनेशनल जो इस अफेयर्स हैं ख़ासतौर पे अमूर की बात की जाती है तो सऊदीया के हवाले से तो डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा जानते भी हैं इनसाइट की चीज़ें जो होती हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कर्नल रिटायर्ड उबैद रहमान साहब, आप भी तज़ियाकार हैं, एनालिस्ट हैं, कर्नल साहब से भी हमारी तवक्को यही होगी कि कुछ थोड़ा सा फ्रांसिक जो चीज़ें होती हैं उनको देखते हुए, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखते हुए इस पर बात की जाए। अब्दुल्ला, एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया और सहाफती दुनिया के अंदर एक जैसे कहते हैं भौंचाल आ गया, क्या आपके जहन में कोई ऐसा वाकया कभी आता है कि कभी माजी में कोई ऐसा वाकया हो कि एक सहाफ़ी को एक कौंसलेट के अंदर बुला के मर्डर किया गया और इतना बहिमाना अंदाज में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आसिम साहब, यकीनन ये एक बहिमाना और बर्बरियत से भरपूर शाहकार था जो भी एपिसोड हुआ, लेकिन उसके अंदर अब तो ये वाकया हो गया। आज जो उनकी वजारत वज़ीर ख़ारजा का बयान सऊदी के आया है, उन्होंने कहा है कि ये हमारा बहुत बड़ी एक मिस्टेक हो गई है। अब ये मिस्टेक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, फिर सवाल जब शुरू में जब उठे तो ये 2 अक्टूबर को वाकया हुआ और उसके बाद फिर ज़ाहिर है पूरी दुनिया में, और ये जमाल खशोगी जो थे वो बहुत अदनान खशोगी जो एक बहुत बड़े असलाह डीलर थे उनके ये भतीजे थे, इसी तरीके इनके वालिद जो थे वो तबीब थे, शाही तबीब थे, और इसी तरीके से वो क्योंकि तुर्क ओरिजिन के थे और उन्होंने फिर सऊदी अरब में शादी की थी, वालिद ने मदीना मुनव्वरा में ये पैदा हुए थे, तो इनका एक और फिर बाद में ये एक बहुत बड़ा अरब जो चैनल था जो कि फिर आपको पता है एक मुतनाज़ा ख़बर के ऊपर पे बंद कर दिया गया, उसको ये हेड कर रहे थे और अरब न्यूज़ के जो है ये नायब मुदीर थे, तो ये एक बड़ी शख्सियत का दावर शख्सियत वाशिंगटन पोस्ट के अंदर इनके कॉलम्स आते थे, लेकिन क्राउन प्रिंस से इनकी बड़ी क्लोजनेस रही। देखिए इन्होंने जिन पे इशारे भी हो रहे हैं क्राउन प्रिंस के हवाले से, इन्होंने फिर एक बहुत आर्टिकल लिखा और फिर देन उसके लिए इनको काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया, लेकिन कुछ अरसे से ये देखें जो जब कौंसलेट के अंदर कुछ सवालात पैदा होते हैं, पहली बात यह है कि कौंसलेट के अंदर तो जाते देखा गया लेकिन जमाल खशोगी को वापस आते नहीं देखा गया, जबकि उनकी मंगेतर बाहर बैठी हुई थी, जो एप्पल वॉच जो उन्होंने पहनी हुई थी और एप्पल टेलीफोन वो अपनी मंगेतर के पास छोड़ के गए थे और उनको बता के गए थे कि अगर मैं ना आऊं तो आपने सिक्योरिटी इदारों को, टर्किश सिक्योरिटी को, वो आपने आगाह कर देना है। दूसरा इसके अंदर जो है वो समझने की बात ये है कि उस दिन जो सिक्योरिटी कैमरास जो विद इन द कॉन्सुलेट थे वो क्यों काम नहीं कर रहे थे, और स्टाफ को छुट्टी दे दी गई जी, मैं वही गुजार, और जो लोकल स्टाफ था जो टर्किश स्टाफ था उसको वहाँ उस दिन छुट्टी दे दी गई। फिर जो है जो कुछ ऐसे लोग जो कि मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ रिलेटेड हैं जिनको देखा गया है ख़ास तौर के अंदर, उनके अंदर साद अल ज़हरानी जो कि रॉयल गार्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। आप देखें रॉयल गार्ड एक सिस्टम है, हम समझते हैं सऊदी अरब के सिस्टम को, रॉयल गार्ड जो है डायरेक्टली जो है वो क्राउन प्रिंस के नीचे आते हैं, वो उनका कोई किसी से और ताल्लुक़ नहीं होता। जहां कहा जा रहा है ना कि जीआईडी जो जनरल इंटेलिजेंस ड्यूटी जिसको कहा जाता है, सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी जिसको इस्तखबारात कहा जाता है उर्फ़ आम में, इस्तखबारात से इनका तो ताल्लुक़ ही नहीं था। और फिर मेजर जनरल असीरी जो हैं वो उनका एक आपको पता है एक यमन के हवाले से जब फ़ौज के अंदर वो तर्जुमान थे और वो उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, लोगों को सहाफ़ियों के साथ उनकी अंग्रेज़ी वगैरह बहुत अच्छी है, उनको अब जो है वो फारिग कर दिया गया, मुअत्तल कर अपना वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया नौकरी से। देखें इसके अंदर जो अहम बात वो ये है कि ये लोग जो 15 रुकनी टीम थी जो तैयारों में आई थी उसके अंदर एक तो फॉरेंसिक का आपने जिक्र किया, एक मैंने आपको ये ज़हरानी साहब का बताया, ये भी यूनिफॉर्म आदमी था, और तीसरा जो आदमी है वो है एक और उनका साले था जो कर्नल साले जो है जो एटॉप्सी एक्सपर्ट था। एटॉप्सी मतलब ये कि वो जो मुर्दों की काट छाट होती है, ये वहाँ क्या कर रहे थे। अच्छा फिर एक सवाल ये भी पैदा होता है
कि किसने इनको इतला दी, ये लोग जो आए थे क्या हादसाती तौर पे आए थे? नहीं, हादसाती तौर पे नहीं आए थे, इन्होंने 3 दिन के लिए बकायदा होटल के मुख्तलिफ करीब जो थे कौंसल खाने के, वो होटल 2 मुख्तलिफ होटल बुक कराए थे और 3 दिन के लिए बुक कराए थे, लेकिन फिर अगले ही दिन जो है ये वहाँ से चले गए 2 मुख्तलिफ फ़्लाइटों पर जो जाके वहाँ से रियाद पहुँची। मेरा अभी इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जो इसके अंदर रॉयल गार्ड का आदमी था ये कहाँ से आ गया, और फिर कौंसल खाने से इतला मिली, यानी कि उन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए वो कहा होगा, जब अपॉइंटमेंट आई इदनान इसकी जमाल खुशोगी की जानिब से तो फिर वहाँ इतला मिली। 29 तारीख को जब बुलाया गया तो 2 तारीख का दोबारा टाइम तो देखे ना, तो इसका मतलब है कौंसल खाने से पता चला गया। फिर कौंसल जनरल जो है, ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इस बात को हम जारी रखेंगे। कर्नल साहब से भी इसके हवाले से फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी, जिस तरह अब्दुल्ला भी कह रहे थे और हम भी इस पर थोड़ा सा पश्चिमा जरूर हैं कि इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ की गई और उसके बाद उसको एक कवर अप स्टेटमेंट से कवर करने की कोशिश की जाती है। हम लेते हैं ब्रेक, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। अब्दुल्ला, मैं इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कर्नल साहब की तरफ जाना चाहूँगा, आप समझते हैं कि ये तमाम सूरत हाल जी, मैं अगर वो पिछली बात को गुजारिश कर दूँ, फिर बकायदा क्लीनिंग के लिए लोग आए जिनके पास बड़े बड़े वो मॉप्स थे और उनके पास ब्लीच थे, उनके पास ऐसे डिटर्जेंट्स थे, वो वहाँ क्या कर रहे, ये सारी तस्वीर मौजूद हैं। फिर कौंसल जनरल जो थे, जिस दिन उनके घर में पुलिस ने आके चेकिंग करनी थी उस दिन वो वहाँ से चले गए। और फिर मज़े की बात यह है कि ये लोग जब कालीन में डाल के, क्योंकि मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं, कालीन में डाल के जब ये कौंसल जनरल के घर में पहुँचे तो उस दिन कौंसल जनरल ने भी अपने तमाम मुलाजमीन को छुट्टी दी हुई थी। तो ये बहुत ही ये नजर आ रहा है। देखिए ना, अब मसला ये है कि लोगों को सजा देने से बात नहीं है, कत्ल के बदले कत्ल है, बात यह कत्ल किया है तो हाँ, सरेआम कत्ल किया, 18 लोग पकड़े तो इनको कत्ल, जब आप इनके ऊपर आएंगे कि हाँ अब हम आपको फांसी चढ़ाएंगे या आपकी गर्दन काटेंगे फिर ये सही सच बोलेंगे, उससे पहले कोई नहीं तो बोलेगा। कुछ वरना आपको पता है बहुत सारे डॉलर जो हैं अकाउंटों में खामोशी से ट्रांसफर हो जाए करते हैं। कुछ कहानियां और भी बीच में जुड़ रही हैं जिसमें बहुत बड़े ताकतवर मुल्क की बात आ रही है, उनके दामाद की बात आ रही है। मोटिव क्या नजर आ रहा है आपको उसके पीछे, हकायक क्या नजर आ रहे हैं कर्नल साहब? देखिए जी, मैं थोड़ा सा, अब्दुल्ला गुल साहब ने बहुत अच्छी एक्सप्लेन किया है, मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा ऑगमेंट, मैं ऑडियो भी बता दूं उसमें रिसीव हुई है जिसमें जी मैं बताने लगा ऑगमेंट करना चाहता हूँ। देखें, ये इन्होंने कोवर्ट ऑपरेशन अगर प्लान किया था, हमेशा इस कोवर्ट ऑपरेशन, जब भी आप कोई प्लान इस ऑपरेशन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर और जो पिवोटल फैक्टर होता है दैट इज सीक्रेसी, और उसकी प्लानिंग होती है। एंड आई थिंक इस दो फैक्टर्स को ये बिल्कुल जो है ना लो के पेपर जाके इसको नेगेट किया गया हुआ, एक बात। दूसरी बात है कि देखें, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी और अब 10 बंदों की टीम का उधर आना और इस चीज़ को 15 बंदों का आना और ये करना, व्हाट मैसेज इट गिव्स, मतलब इट फॉर द लास्ट 4-5 मंथ्स दे वर प्लानिंग फॉर दिस थिंग, इसको प्लान कर रहे थे। और ये जमाल खुशोगी पहले एक कंट्री में गया है, फिर दूसरी में गया है, और फिर थर्ड टाइम ही वाज टोल्ड टू गो आप टर्की में, अमेरिका से लास्ट टाइम उनको टर्की में आके। अच्छा, अब ये जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ है उसके बाद ये जब टर्किश अखबार में ये बात लीक आउट हुई है, उसके बाद जो ऑफिशियल है एक एम्बेसी का, उसका नाम है मेहर महातर, उसने कॉल की है क्राउन प्रिंस के भाई को जिसका नाम खालिद है, जो यूएस में एम्बेसडर था, मेहर मतरीब, और वो वहाँ से खालिद है, ही लेफ्ट दैट प्लेस। अच्छा, मोटिव की बात यह है कि देखें इसमें पीछे डील जो ट्रंप का दामाद है और एक और इनकी जो आम क्राउन प्रिंस के साथ एक डील चल रही है। अब इस जर्नलिस्ट को, ही वॉज नोइंग अबाउट इट, कि ये क्या है, वो कुछ बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी रिवील करना चाहता था। अब ट्रंप की आप देख लेना टर्न्स को, अब वो क्या टर्न है कि चीज़ तो पता लगे, एक साइड पर वो थ्रेट कर रहा है कि नहीं जी अभी जो हमें जो फैक्ट्स हैं वो रिवील किए जाएं, हमें बताए जाएं, एक साइड पे वो ये कह रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर वो ये कह रहा है कि जो 450 मिलियन या 110 मिलियन की आम डील्स हैं उस पर असरात नहीं होंगे क्योंकि हमारी मिलियन है। अब देखिए ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना ये गेम किया जा रहा है। लाइक वाइज अभी कैनेडा को आप देख लें, कनाडा का भी जो उनका प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन, उसने भी कहा है कि उनके रेगुलेशंस हैं, जो कैनेडियन रेगुलेशंस हैं, अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है देन वो इस किस्म की डील्स में, आम डील्स में नहीं जाते। लेकिन हर कंट्री अपनी जगह प्ले कर रहा है,
اس چیز کو, لیکن پیچھے موٹیو جو ہیں وہ ڈفرینٹ چلے جاتے ہیں. There was something big جو کہ خشوگی ان کو ڈر تھا, وہ ڈر تھا اور وہ کیونکہ اس کو ساری چیزیں ایکسپرٹ کا جس طرح ٹاپ سپیک کرنے والا جو ایک ایکسپرٹ ساتھ آیا جس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی آ گئی ترک انٹیلیجنس کے پاس, کیونکہ وہ ایپل واچ سے کچھ ریکارڈنگز تو ہو رہی تھیں, دیکھیں انگلیوں کاٹنے تک کا پتہ چلا. 10 منٹ تک کہتے ہیں کہ وہ ہوش میں رہا, اس کے بعد ایڈیٹ کرنے کے بعد اس کو میوٹیلیٹ کیا گیا, اور وہ ساتھ بندہ کہتا ہے کہ ہیڈ فون لگا لو, میں ایسا کام جب کرتا ہوں تو میوزک سنتا ہوں. اس گیم میں دیکھیں, اور ایون وہ کونسلیٹ میں جو عملہ تھا یا ان کا جو کونسلر تھا, اس نے یہاں تک کہا کہ یہاں پہ مت کرو میں پھنس جاؤں گا. اب دیکھیں اس میں گین کیا ہو رہی ہے, ٹرکش گین کہاں. اب ٹرکی جو ہے وہ ادھر امریکن سے اپنا ڈیل کو کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی سعودینز کو وہ ڈیل کر کے ایک مطلب ایک کمفرٹ زون میں لا کے, ایران کیونکہ سیریا میں ہے اس کو وہاں سیٹسفائی کر رہا ہے. مطلب ہر, کیونکہ اردوغان کا جب الیکشن ہوا تھا 2013 میں, $3 billion یوٹیلائز کیے گئے تھے اردوغان کو فارغ کرنے کے لیے. اب دس از دا ٹائم کہ وہ اپنی جو اس چیز کو یہاں سے وہ گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسکور سیٹلنگ آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ ہو رہی ہے. عبداللہ یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, جو بین الاقوامی سطح پہ اثرات کی بات ہم کریں, کانفرنس میں شرکت سے بہت سارے ممالک نے اس واقعے کے بعد انکار کر دیا جو کہ سعودیہ میں ہو رہی ہے. ہمارے وزیر اعظم جا رہے ہیں اور وہاں پہ اہم ملاقاتیں بھی متوقع ہیں, کیا گین کر لیں گے اور اس موقع پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو شریک ہونا چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں شریک تو وہ ابھی, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اقوام عالم اور پھر یو این سیکرٹری جنرل کی طرف سے یہ بات آئی ہوئی ہے. شرکت جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان تو اٹھیں گے, لیکن بہرحال اگر وہاں شرکت جا رہے ہیں تو پوچھنا یہ چاہیے کہ ہم اس کے بدلے میں کیا لیں گے. جیسے ابھی کل صاحب نے فرمایا کہ ٹرکی کے ساتھ جو ہے, ٹرکی ظاہر ہے کچھ اس کے اندر لے لے گا, کچھ نہ کچھ اپنا ظاہر ہے وہ اپنا گین کریں گے. لیکن یہاں جو ایک دو بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو اسکواڈ بھیجا تھا یہ پہلی دفعہ نہیں بھیجا تھا آسم صاحب, اس کا مطلب ہے یہ پہلے بھی جاتے رہے اسکواڈ, اور یہ کوئی انٹرینڈ تو نہیں تھا نا, ٹرینڈ اسکواڈ تھا جس نے یہ کام کیے, اور وہ میوزک لگا لیتا ہے ہوں میں جب یہ کام کرتا ہوں, یعنی کہ وہ کرتا رہا ہے. تو پھر وہ جب کرتا رہا تو پھر ایک انٹیلیجنس چیف کو یہ نہیں پتا چلا, اس کا مطلب ہے آپ باقاعدہ آپ نے ڈیتھ اسکواڈز بنائے ہوئے ہیں. یہ بات ہے جو اصل میں اس کو پروب کرنا چاہیے. اور جو میں دوسری گزارش اس میں یہ کر دوں کہ انگلا مرکل ہیں یا جسٹن ٹروڈو ہیں یا دیگر ہیں, انہوں نے بڑا کھل کے سامنے بات کہی ہے, لیکن امریکہ کے لیے بھی بہت پرابلمس ہیں. ابھی وسط نومبر میں جو ہے وہ الیکشن آ رہے ہیں, وہاں مڈ ٹرم الیکشن ہے, اور مڈ ٹرم الیکشن کے لیے ابھی جو ٹرمپ نے پھر ایک دفعہ پہلے کہا کہ روگ ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں, اور بعد میں کہا کہ ہم سعودی کی یہ جو وضاحت ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, یہ بچکانا وضاحت ہے اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس کا مطلب میں جو اس میں ایک آخری بات میں بریک کے بعد اس کو آپ کنٹینیو کرتا ہوں, اور اس میں جب ہم بات کرتے ترک صدر کے حوالے سے, کیونکہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ترکی بھی اس میں بہت کچھ گین کرے گا, انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو آرام سے مسئلے کو دبنے نہیں دیں گے, اس مسئلے کو ختم نہیں ہونے دیں گے. ہم لیتے ہیں بریک, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں. عبداللہ آپ کی بات کو میں کنٹینیو کرتے ہوئے اس سوال کا بھی جواب پوچھنا چاہوں گا, ترک صدر نے جو موقف بیان کیا ہے. جی میں وہ بات کروں کہ اس کے اندر ایک اور ایسپیکٹ ہے جس کے اوپر ہم نگاہ نہیں دے رہے. امریکہ کا تمام کا تر جو میڈیا ہے وہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے اور اسرائیل کے زیر اثر ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب اس سارے معاملے پہ اسرائیل کی یہ کوشش ہوگی تھرو دیئر میڈیا اور جو اپنے ان کے سینیٹرز وہاں موجود ہیں کہ کسی طرح سے جو سعودی عرب ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے. نیچے وہ بات چیت پہلے بھی چل رہی ہے جس کے متعلق بہت ساری بات چیت چل رہی ہے, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اوپنلی تسلیم کریں. لیکن اوپنلی اگر اسرائیل کو اسلامی ایک سعودی عرب نے جو کہ قلعہ سمجھا جاتا ہے, مرکز سمجھا جاتا ہے, اس نے تسلیم کیا تو یہ ایک بڑا بھونچال آ جائے گا, اور اس کے بعد آپ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اور جو داعش کو تقویت وہ خدا وہ ملے گی, وہ پھر آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں. یہ ایران اور سعودی ترک صدر کا آپ سمجھتے ہیں موقف ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس کو ختم نہیں کریں گے. ترک صدر تو اپنے معاملات کو دیکھیں گے نا, ان کا گھٹنا جو ہے وہ ترکی کی طرف جھکے گا. وہ عدنان خشوگی کا ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک واقعہ ہوا ہے, ترکی ایک انڈیپینڈنٹ ہے, بہت مضبوط ہے. دیکھیں نا ان کا تو اوریجنلی, اور پھر وہ ترکی کے اس طرح سے ترکی جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے اور بڑی مضبوط, اس نے ماضی میں ابھی حالیہ جو ماضی قریب کے اندر اس نے بہت زبردست برنکمین شپ دکھائی ہے.
लेकिन अब जाहिर है कुछ ले कुछ दे होगा, क्योंकि उन्होंने ट्रंप साहब से बात भी की है, डील्स पे जाएंगे, और डील्स के ऊपर जाएंगे। लेकिन इसमें जो इसराइल है वो ये चाहेगा कि हमें तस्लीम कर लिया जाए सऊदी अरब के जरिए, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा दहशतगर्दी। दूसरी बात यह है कि ईरान और सऊदी अरब की अगर खुदा ना खास्ता जंग होती है तो ना फायदा किसी अरब को होगा ना किसी अजम को होगा, फायदा सिर्फ हथियार फरोशों को होगा जो हथियार करते हैं और इसराइल को। सब आप समझते हैं कि ये जो एक ऑपरेशन किया गया जिसके बाद एक शर्मिंदगी का बाइस बना, क्राउन प्रिंस के ऊपर क्या असरात होंगे? क्या वही जो एक इंसाफ के तकाजे जो सऊदीया मशहूर है जिसके बारे में गर्दन के बदले गर्दन, मतलब कत्ल की सज़ा गर्दन उतारना है, तो वहाँ पे वो जो लोग पकड़े गए हैं और जो इसका जिम्मेदार है उसको वो सज़ा दी जा सकेगी? देखिए बात यह है कि अभी अगर इसकी एक दो डॉक्सोलिक व्यू है, एक वेंट्रिकुलर, एक सामने वाला व्यू और एक बैक व्यू है। अभी आप देखें अगर क्राउन प्रिंस पे क्या इसरार होंगे, अभी चीज़ ये है कि अभी तक तो वो डिनाई कर रहे हैं कि जी हमने तो नहीं किया, नहीं एक्सेप्ट कर लिया ना, अब तो फॉरेन मिनिस्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। अभी के वो तो फॉरेन मिनिस्टर जिस तरीके से एक्सेप्ट किया है वो तो एक देखें ना लैक ऑफ वो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है ना, क्योंकि उसमें लैक ऑफ एविडेंस है। वो एक्सेप्टेंस तो कोई भी दे सकता है, लेकिन एक्चुअल जो क्राउन मुजरिम की निशानदही नहीं हुई, मुजरिम वो नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि क्राउन प्रिंस का बीच में इन्वॉल्वमेंट का वो बीच में आ रही है। लेकिन वो जो आप जो कह रहे हैं कि पनिशमेंट जो उनको जो दी जा सकती है दैट इज़ विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर बिकॉज सो फार वो एक लाइन एक लेवल ऑफ तक जाके इस इन्वेस्टिगेशन को खत्म कर रहा था, उसको भी जो है वो इन्होंने जो है वो सुनाया हादसा, ट्रैफिक हादसे में जो है वो मर गया। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आपका, कर्नल उबैद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में जमाल खशोगी के कत्ल के ऊपर जो इस वक्त आलमी सतह पर सूरत हाल है, और उसके बाद आलमी सतह की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान भी खासतौर पर सऊदीया से क्योंकि एक करीबी ताल्लुकात हैं और हमारे वज़ीर आज़म एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भी जा रहे हैं, इसके असरात पाकिस्तान के लिए क्या होंगे और पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार होगा उसको भी हमने डिस्कस किया, और उम्मीद है कि सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद फैसला आप खुद करेंगे। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।